आपकी क्रिकेट एनालॉजीज बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है वसंत जी. सो यू नो इफ आई आस्क यू यू नो प्लीज डिफाइन मार्केट यूजिंग क्रिकेट एनालॉजी. मार्केट मे बी यू कैन व्हेन आई से मार्केट तो यू कैन डिफाइन मार्केट पार्टिसिपेंट्स आल्सो नो थ्रू डिफरेंट क्रिकेट एनालॉजी. देखिए मार्केट ऐसा है, अगर मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूँ, डीप वैल्यू, तो डीप वैल्यू इन्वेस्टर का काम यह है कि जैसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बाइंग अ डॉलर वर्थ ऑफ एसेट फॉर 50 सेंट्स. तो ये बहुत अच्छा सोफिस्टिकेटेड लगता है, लेकिन आपको तो समझ में आ गया कि 50 सेंट्स का डॉलर वर्थ ऑफ एसेट है, लेकिन किसी और को जब समझ में आएगा कि एक डॉलर का है, तभी आपके 50 सेंट्स के एक डॉलर बनेंगे. तो ये जो होते हैं ये प्लेयर होते हैं वैल्यू इन्वेस्टर्स. ये वैल्यू इन्वेस्टर क्रीज पर टिके रहते हैं, बोलते हैं यार मैं बैठा रहूंगा, रन अपने आप बनता रहेगा. ये चितेश्वर पुजारा टाइप होते हैं कि अपने बैठे और बैटिंग कर रहे हैं अपने आप रन बनेगा बनेगा. कुछ होते हैं पिंच हिटर्स जो पोजीशन ट्रेड करते हैं कि यार मैं अभी मेरे पास खबर आई है मर्जर हो रहा है, इसका ओपन ऑफर आ रहा है, इसका ये हो रहा है, फलाना स्टॉक ये ले रहे हैं वो ले रहे हैं, अभी ये खरीद लेगा वो बेच लेगा. वो होते हैं यूसुफ पठान टाइप. उनकी इनिंग्स जो होते हैं 30-40-50 रन की होती है, 20 बॉल में 40 रन बनाते हैं, लेकिन वो कभी भी 15 साल तक टीम में नहीं रहते. वो 1-2-3 साल आते हैं और जाते हैं और निकल जाते हैं टीम से. कुछ होते हैं जो रियल जेन्युइन प्लेयर्स लाइक वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर. तो अगर इन दोनों की कैटेगरी आप बोले, वो मल्टी बैगर ग्रोथ इन्वेस्टर्स जो 30% आरओई, 30% ग्रोथ, लो पी, सेक्टर लीडरशिप, लो मार्केट कैप, ऑनेस्ट मैनेजमेंट, गुड पे आउट रेशियो, फ्री कैश फ्लो. अब आप बोलेंगे ये तो सर्वगुण संपन्न, ऐसी लड़की मिलती कहाँ है. बट अगर मिल जाएगी आपको कभी भी, तो आप उसको पूरा बेट करें. वो उनकी उनका जो टेन्योर होता है बहुत लंबा होता है, वो 20-20 साल 30-30 साल खेलते हैं. तेंदुलकर तो खेले ही थे ऑब्वियसली. तो ये अलग अलग स्टाइल होता है खेलने का. और जो ट्रेडर है और एक और एंगल है, और एक इन्वेस्टर है फॉर एग्जाम्पल, वो फर्स्ट स्लिप के फील्डर की तरह है. आपको सारे दिन में 3 या 4 कैच आएंगे, आपको पकड़ने हैं सारे दिन. 80 ओवर का टेस्ट मैच चलेगा, आपको 3 या 4 कैच आएंगे वही पकड़ना, और एक भी आपने छोड़ दिया तो गालियां पड़ेगी. और एक विकेट कीपर है जो हर बॉल को जाता है लपकने, लेकिन विकेट कीपर जो है हमारा वो ट्रेडर है, जो हर सोचता है ये मैं कॉल ले लूं 15 का 18 होगा मैं बेच दूंगा, मैं देखूं ब्रोकरेज सस्ता कहाँ है, इधर जाऊं उधर जाऊं, इधर दिमाग लगाऊं जहां सस्ता ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज कट करूं 3 रुपए कमा लूं. ये 3-4 रुपया करते करते विकेट कीपर में नाम तो विकेट कीपर के इतने इंडिया में आए हैं, बट मुझे MS धोनी से ज्यादा और उसके पहले जो हम स्टार्ट किए थे सैयद किरमानी के बीच में, मुझे ऐसा कोई विकेट कीपर याद नहीं है जिस जो हमारे लिए कोई मेमोरी छोड़ के गया. धोनी नॉट बिकॉज ऑफ हिज कीपिंग बट बिकॉज ऑफ हिज अंपायरिंग, बिकॉज ऑफ हिज DRS थिंग, द कैप्टेंसी एंड द बैटिंग, उसलिए हमें याद आते हैं. तो विकेट कीपर की लाइफ होती है अच्छी, लेकिन वो उतना कोई याद नहीं रखता है. और जो फर्स्ट स्लिप फील्डर होता है वो फिर भी आपको याद रहता है कि यार ये फर्स्ट स्लिप फील्डर है. तो वो उस एंगल से आप देखें तो ये पूरी क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी आ गई हमारे शेयर बाजार में. लेकिन सोचने वाली बात है, यहाँ सबको यूसुफ पठान बनना है कि मैं 30 बॉल में 40 बना लूं. लेकिन यूसुफ पठान 2-3-4 साल खेलते हैं, घर बना लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, फिर कपिल शर्मा शो में आते हैं और टीवी के जज बन जाते हैं कहीं. तो वही लाइफ होती है उनकी. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.